साध्वी यौन उत्पीड़न मामले में सुन आर्या जेल में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से वीरवार को उनकी मां नसीब कौर मिलने पहुंची। जेल में नसीब कौर ने करीब 20 मिनट तक डेरा मुखी से बातचीत की। सूत्रों के अनुसार डेरा मुखी की मां नसीब कौर राजस्थान के गंगानगर से राजस्थान नंबर की मारुति करेजा कार से चालक पंजाब के बठिंडा स्थित भारत नगर निवासी इकबाल के साथ शाम 3:10 पर सुनारिया जेल पहुंची। उनके साथ सुरक्षा कर्मियों की दो अन्य गाड़ियां थी। जेल रास्ते पर लगे पुलिस और पैरामिलिट्री के संयुक्त नाके पर नसीब कौर की कार को जांच पड़ताल के लिए रुकवाया गया। यहां पर उनकी कार की गहनता से चेकिंग की गई। जांच पड़ताल की वीडियोग्राफी भी की गई। करीब 10 मिनट तक जांच पड़ताल होने के बाद पुलिस ने नसीब कौर और उनके चालक का पहचान पत्र लिया। पहचान पत्र लेने के बाद दोनों को जेल में जाने दिया गया। वह एक बैग में राम रहीम के लिए कपड़े लेकर आई थी। खाने पीने और कपड़ों से भरी पड़ी थी कार। जिस कार में डेरा मुखी की मां जेल पहुंची थी वे प्लास्टिक के बैग से भरी पड़ी थी। किसी बैग में कपड़े थे तो किसी ने फल और मेवे थे। पुलिस व पैरामिलिट्री के संयुक्त नाके पर चेकिंग के बाद कार को जाने दिया गया। लेकिन जब वह सारा सामान लेकर जेल में पहुंची तो यहां पर जेल प्रशासन ने कुछ सामान को वापस भेज दिया। मां को देखकर भर आई डेरा मुखी की आंखें अपनी घिनौनी करतूत के कारण जेल की चार दीवारी में सजा काट रहे राम रहीम को जब मुलाकात कक्ष में लाया गया तो मां को देखकर उसकी आंखें भर आई। डेरा मुखी को देखकर उसकी मां भी रोने लगी। करीब 5 मिनट तक दोनों आंखों में आंसू लेकर बातचीत करते रहे। बाद में डेरा मुखी ने मां से डेरे में बारे में पूछा। नसीब कौर ने कहा कि वैसे तो सभी लोग फिलहाल राजस्थान में है, लेकिन डेरे में सारा कामकाज सामान्य है। मां ने बताया कि कुछ दिन पहले ही डेरे में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया था। सामान्य कैदियों की मुलाकात बंद होने के बाद पहुंची नसीब कौर। सामान्य कैदियों की मुलाकात का समय खत्म होने के बाद ही नसीब कौर जेल में पहुंची थी ताकि सुरक्षा को लेकर कोई चूक न हो। सामान्य कैदियों की मुलाकात का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है। जब राम रहीम को मुलाकात के लिए बैरक से बाहर निकाला गया तो सभी कैदियों को अपने बैरक में बंद कर दिया गया। भारी सुरक्षा के बीच राम रहीम को मुलाकात कक्ष में लाया गया। इस पूरे वाक्या की वीडियोग्राफी करवाई गई। मुलाकात होने के बाद उनकी मां के साथ स्थानीय पुलिस को शहर की सीमा तक भेजा गया। वह हिसार से होती हुई राजस्थान के लिए रवाना हुई। सोमवार को अन्य परिजन आ सकते हैं मुलाकात करने। जेल में आने के बाद पहली बार कोई परिजन राम रहीम से मिलने जेल में पहुंचा। डेरा मुखी करीब 20 दिन से जेल में बंद है। जेल नियमों के अनुसार उनकी मुलाकात के लिए सोमवार और गुरुवार का दिन निर्धारित है। मां के आने के बाद अब सोमवार को डेरा मुखी के अन्य परिजन भी जेल में राम रहीम से मुलाकात करने आ सकते हैं। इसकी सूचना जेल प्रशासन को पहले ही दे दी जाएगी। बता दें कि डेरा मुखी ने अपनी मां नसीब कौर, बेटे जसमीत सिंह, बेटी चरणप्रीत, अमरप्रीत और हनीप्रीत, पुत्र अवधु हुसनप्रीत, दामाद शाने मीत और रूहे मीत, डेरा मैनेजमेंट की अफसर विपासना और दान सिंह मिलने की इच्छा जताई थी। इनके नामों की सूची सिरसा प्रशासन को भेजी गई थी, लेकिन डेरे में विपासना को छोड़कर कोई नहीं मिला था। इस कारण सिरसा प्रशासन ने वेरिफिकेशन नहीं होने का दावा किया था।